बच्चों ने ये इसका कहीं केज खोल दिया और इसमें से दो निकल गई, और सबसे बड़ी बैड न्यूज़ की दोनों बर्ड जो है ना, ये देखिए माशाल्लाह स्टिक के ऊपर दोनों बैठे हुए। तो अभी इनको देखते हैं, ये पानी मैं ले आया हूँ, आज इनके अंदर स्टिक्स भी हम लोग लगा देंगे सब केजेस में, ताकि बाकी ये दो न्यू मेंबर आए हैं हमारे पास माशाल्लाह से, ये देखें छोटे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे, दोनों को जो उठा के उड़ने वाले सेक्शन में फेंकते हैं ताकि इनको उड़ाएं हम लोग। ये मेल पकड़ लिया मैंने, और ये फीमेल जितने भी हैं ना स्टिक्स वगैरह इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे उनकी, ताकि वो बैठने में आसानी रहे उनको। तो चलते हैं ब्रीडिंग सेटअप की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंदोकाशियाना। माशाल्लाह से अभी ये भी जो बच्चे जिनकी पर उड़ाई गई थी, इनको बाहर निकाला है, इनके अभी मैंने पर चेक किए, माशाल्लाह बहुत अच्छे पर की प्रोग्रेस चल रही है इनकी। ये कुछ ऊपर भी चढ़ने लगे हैं, ये ऊपर बैठे हुए हैं, दो तीन जो है ना ये जिनके एक दो पर बड़े थे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये ऊपर भी चढ़ने लगे हैं। तो माशाल्लाह से इनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही है। इसी तरह भी मेल फीमेल में भी चलेंगे और मेल में भी चलेंगे, चल के इनकी भी ऊपर की प्रोग्रेस चेक करते हैं। बाकी माशाल्लाह से हमारा दो नए बेबी पिजन निकले हैं, वो भी छोटे छोटे आपको दिखाते हैं। और इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम लोग जो है वो अपने जो पैरट्स के जितने केजेस बनाए हैं हम लोग, उसके अंदर जितने भी हैं ना स्टिक्स वगैरह इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे उनकी, ताकि वो बैठने में आसानी रहे उनको। तो चलते हैं ब्रीडिंग सेटअप की तरफ, बेबी पिजन देखते हैं और मेल्स के पर वगैरह इन सब चीज़ों को देखते हैं। माशाल्लाह से बारिशें खैर बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन माशाल्लाह से इनके पैर वगैरह बहुत साफ़ सुथरे अच्छे निकले हैं। ये देखें, ये भी ऊपर चढ़ने लगे हैं, ये तो खैर इसको ऊपर पटाई की नहीं, बड़ा कबूतर है। इसी तरह ये नीचे बैठे हुए हैं, यहाँ से मैं दिखाता हूँ अंदर हैं ज़्यादा कबूतर, क्योंकि अभी इनका खोला हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से सबकी पर पटाई है, ये भी पर पटाई में था, ये माशाल्लाह से इन का तादाद भी अच्छी है हमारे पास इस दफ़ा, और कबूतर काफ़ी ज़्यादा है और माशाल्लाह अच्छे प्रोग्रेस में है। अभी चलते हैं बेबी पिजन्स की तरफ, ये हम लोग इस साइड पे जा रहे हैं। माशाल्लाह से दो न्यू बेबी पिजन हैं, ये बेबी पिजन मैंने कई दफ़ा इसको मेडिसिन दी है, लेकिन इसकी ये जो है ना ये चीज़ ये बहुत ज़्यादा है, और ये बेचारा जो है ना सभी शायद बचे या ना बचे, बचना इसका बड़ा मुश्किल हो गया है। ये इसकी आंखें देखो, इसकी हालत क्या हुई हुई है, बिल्कुल क्लोज हो चुकी है, और इस साइड से भी आंखों का भी यही हाल है। खैर फिर भी इसको मेडिसिन अभी देते हैं, दे के देखते हैं। ये बहुत अच्छा बेबी पिजन आया था इस ब्रीडर पेयर का, ये फीमेल है ये मेल है, बहुत अच्छा बेबी पिजन है। और ये कुछ बेबी पिजन बैठे हुए हैं, अंदर चलते हैं आपको छोटे बेबी पिजन दिखाते हैं। ये वाले बेबी पिजन माशाल्लाह इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है, ये जो छोटे पहले निकले थे हमारे पास, ये देखे ना माशाल्लाह से इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है। बाकी ये दो न्यू मेंबर आए हैं हमारे पास माशाल्लाह से, ये देखे ना छोटे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। ये इनका फादर है, इनके साथ बैठा हुआ टेडी कबूतर है, माशाल्लाह ये छोटे बेबी पिजन हमारे पास आ गए। बाकी इस बेबी पिजन की ग्रोथ भी ठीक है, और ये न्यू पेयर मैंने लगा दिया है एक, ये मैंने लगा के इधर छोड़ दिया है, और बस ये भी प्रोग्रेस चल रही है। तो अभी चलते हैं नीचे पैरट्स की तरफ अपने, ये वाला बेबी पिजन और एक नीचे बैठा हुआ है, ये इन दोनों को ये तेल रेडी हो चुके हैं इस साइड पे जो है, इन दोनों को जो उठा के उड़ने वाले सेक्शन में फेंकते हैं ताकि इनको उड़ाएं हम लोग। ये मेल पकड़ लिया मैंने, और ये फीमेल ये भी पकड़ ली, अब इनको उधर छोड़ते हैं, ये बच्चों वाले सेक्शन में छोड़ेंगे इनको। ये पीछे से बंद कर रहा हूँ मैं, ये छोड़ दिया एक बेबी पिजन ये जो, और ये छोड़ दिया दूसरे वाला बेबी पिजन। तो इंशाल्लाह इनको एक दो दिन बाद बाहर निकालेंगे और इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जा रहा हूँ मैं अपने पैरट्स की तरफ, अभी पहले इनका पानी वगैरह चेक कर लेते हैं। इसका पानी ख़त्म है, इसमें भी पानी ख़त्म है, इसमें भी पानी ख़त्म है, दाना भी न्यू डालना पड़ेगा इनको, इनका दाना भी ऑलमोस्ट ख़त्म है, यहाँ पर दाना पड़ा हुआ है, ये भी दाना पड़ा हुआ है, बाकी इस सेक्शन में तो कुछ भी नहीं है, ये खाली सेक्शन है, और बाकी इनमें भी दाना पानी इन सब का चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद मैं आपसे अभी फ्रेश पानी दाना और पानी इनको डाल दूं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इंतहाई बैड न्यूज़, हमारे ये इस साइड पे चार थी, बच्चों ने ये इसका कहीं केज खोल दिया और इसमें से दो निकल गई, और सबसे बड़ी बैड न्यूज़ की दोनों इस दफ़ा फिर फीमेल निकल गई, पहले ऊपर थी उस वक्त भी दोनों फीमेल निकल गई थी, और इस दफ़ा भी दोनों फीमेल निकल गई हैं। तो अब दोनों हमारे पास मेल रह गए हैं,
अब कल बाज़ार है, कल इंशाल्लाह जाऊंगा, कल नहीं परसों है, परसों जाऊंगा, फिर वहां से लेके आऊंगा। और बाकी ये है कि स्टिक्स ये मैं ले आया हूँ, आज इनके अंदर स्टिक्स भी हम लोग लगा देंगे सब केजेस में, ताकि इनके बैठने का मसले मसाइल ख़त्म हो। स्टिक्स इंशाल्लाह लग जाएंगी। दाना और पानी मैंने डाल दिया था, पानी ये रहा, दाना ये रहा, सबको मैंने नया रिफिल कर दिया है, सबके अंदर डल गया है ये रहा। और ये भी माशाल्लाह से अभी जो है वो बॉक्स अंदर दोनों जाने लगे हैं, करने लगे हैं। अभी इसके अंदर मैं बुरादा भी लेके आ गया हूँ लकड़ी का, तो वो भी इसके केज में इंशाल्लाह आज डाल देते हैं ये इसमें ना, ताकि ये भी ब्रीड कर लें। और इसके अंदर भी यहाँ पे अभी कुछ नहीं है ये रहा, तो इसमें भी आज लकड़ी का बुरादा डाल देते हैं, ताकि अगर इन्होंने ब्रीड करनी है तो भी करें। और बाकी ये तो खैर अंदर जाते नहीं हैं, तो ये एज इट इज़ रहेंगे। तो अभी लकड़ियाँ लगाते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह से ये दो स्टिक्स हमने लगा दी हैं, एक ये स्टिक लगा दी है और एक ये स्टिक लगा दी है। और ये हमारी डायमंड डव्स, इनको माशाल्लाह से कंगनी डाल दी है और ये माशाल्लाह से खाने लग गई हैं। अभी ये छोटी स्ट्रॉबेरी में चीज़ें, और ये इंतहाई खूबसूरत चीज़ है ये, इनके आगे भी खैर मैं अभी स्टिक लगा दूँगा, लेकिन मैंने कहा चलो ये खा रही हैं तो आपको दिखाऊँ। माशाल्लाह से ये खा रही है, आप भी देखें। और ये बिल्कुल माशाल्लाह से, ये मेल है वैसे, ये थोड़ा सा मस्ती करता है, और ये वाली फ़ीमेल है, ये वाइट वाली ना, ये जो अंदर बैठा हुआ ये मेल है, ये भी कंगनी खा रहा है और भूख लगी हुई है, क्योंकि इनको दाना और पानी डालना भूल गए थे पहले, तो इनको भी दाना और पानी डाला। तो अभी और बाकी के भी सबकी स्टिक्स लगा देते हैं, तो इंशाल्लाह दिखा डाल लगा के फिर मैं कंटिन्यू करूँ। हमारी सारी लग गई हैं, इसमें भी लगा दी है हमने, इसमें भी लगा दी है, इसका तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है। अभी बाज़ार लगेगा तो इंशाल्लाह जाएँगे, जाके ले कर आएँगे। सेम इसी तरह माशाल्लाह से ये तो यूज़ भी करने लग गया स्टिक्स को, ये वाले बर्ड जो है ना, ये देखें माशाल्लाह स्टिक के ऊपर दोनों बैठे हुए। तो अभी इनको देखते हैं, ये पानी इन्होंने बहुत गंदा कर लिया, हालांकि कल अभी फ्रेश पानी डाला है बिल्कुल इन सब में, अभी फिर थोड़ी देर में इनमें फ्रेश पानी डाल देते हैं। अभी ये सब स्टिक्स पे बैठने लग गए हैं, ये भी बैठ रहे हैं, ये भी बैठे हुए स्टिक्स के ऊपर, और इधर स्टिक लगाई, लेकिन ये वाले जो अंदर हैं ऊपर वो सामने बैठे हुए, इनमें स्टिक नहीं लगाई थी क्योंकि इनमें बॉक्स ही है। अभी ये मटकी यहाँ से उतानी है, तो वीडियो को यहाँ पर ही कम्प्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी।